जबरदस्त पार्टनरशिप, जबरदस्त पार्टनरशिप रेडिंग में, और सीनियर रेडर हो आप तो हमेशा एक डिस्कशन होता है, विकास पूछते भी रहते हैं, गाइडेंस भी लेते हैं, तो आप दोनों साथ में जो ये देखो विकास आ गए भाई, विकास राम राम उसी टाइम उसका फोटो लगा दिया सही टाइम पे एंट्री मारी विकास भाई ने, तो ये साथ में खेलने का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? विकास और मेरा फिफ्थ सीजन में भी विकास था हरियाणा सिलेक्शन में, और उसके उधर से हमारा तो एक अच्छा रिलेशनशिप है, मतलब मैट में भी हो बाहर में भी हो, और तो यंग एंड एनर्जेटिक राइडर है अच्छा खेल रहा है, तो उसी दिन अच्छा फिफ्थ सीजन में बढ़िया खेला वो हरियाणा सिलेक्स में। सिक्स सीजन में तो मैं तो यूपी में था, वो हरियाणा में ही था, बट सेवन्थ सीजन में एक और बार टाइम लगा स्पेंड करने के लिए उसके साथ। आप रेडिंग के बारे में कैसे डिसाइड करते हो कि अच्छा ये वाला रेड मैं लूंगा, अभी इतने डिफेंडर्स हैं, या डू और डाई है तो मैं जाता हूं या तू जा, ये सब कैसे डिस्कशंस होते हैं ये? सर मैच के पहले हमारा तो मॉरल सेट करते थे कोच राकेश भाई ने, मतलब 6-7 है तो आप जाना है, प्रशांत तू जाओ करके, उसके बाद कम है तो विकास नहीं तो विनय के लिए भेज रहे थे। डिसाइड राइड भी मतलब वैसे था, विकास को पॉइंट मिल रहा है तो वो कर रहा था, इसलिए वो कुछ टाइम टाइम देख रहे होंगे मोस्टली, कितना टाइम बचा है कितना राइड है उसके बारे में सोच रहे थे पता नहीं क्या डिस्कशन कर रहे थे उस टाइम तो आप इतना खेले हो प्रशांत भाई, तो विकास के जैसा कोई अगर रेडर टीम में होता है जो जाके स्पीड में पॉइंट लेके आ जाता है या कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंटली कंट्रीब्यूट करता है, क्योंकि जब भी वो सुपर टेन लगाते थे अपन जीत जाते थे, पिछले सीजन बहुत बार यही ट्रेंड चलता आ रहा था, तो कितना ज्यादा फायदा होता है एक टीम को, या एक जैसे आप भी रेडर हो तो दूसरे रेडर का प्रेशर कितना कम होता है अगर कोई ऐसा परफॉर्म करे तो कंसिस्टेंटली? सर अभी टीम में तो 2-3 राइडर रहते हैं, मतलब तीन भी नहीं चलेगा, एक एक दिन रहता है प्लेयर्स का, अप एंड डाउन रहते हैं ना। और विकास का पॉइंट मिला तो हम लोग वही आप बोला था अभी, टेन 10-10 मारा तो हम लोग मैच जीत जाते थे, वो एक मेंटली ये रहता है, और सुपर 10 मारा तो हम लोग जीत जाएंगे करके एक एडवांटेज है वो भी। उसके बाद वो लगातार पॉइंट लेके आ रहा है तो हम लोग थोड़ा उसको सपोर्टिंग देंगे, नहीं तो वो उसका टाइम नहीं चल रहा है तो मतलब हम लोग मैं और विनय चलेगा तो किसी एक का तो पक्का चलेगा मैट में। हम लोग वैसे कर राइट रहे थे, मतलब एक ना एक ऐसे मैं तो टाइम पे आ जाओ वापस आ जाओ, नहीं तो विकास को ऐसे फ्री छोड़ देंगे, नहीं तो विनय को फ्री छोड़ देंगे, ऐसे सोच करके प्लान करके जा रहे थे।